नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं विनीता मिश्रा। देश भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और आंकड़े लगातार बदलते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार हो गया है, यानी अब तक 8 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,54,000 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। हालांकि 23,187 लोगों की अब तक देश भर में कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को जो आंकड़े सामने आए हैं, 38 में से 36 जिलों में 1266 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। राजधानी पटना में सबसे अधिक 177 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस प्रकार राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 16,305 हो गया है। बिहार में अब तक 11,997 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 118 लोगों की अब तक बिहार में कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार 38 में से 36 जिलों में रविवार को 1266 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। रोहतास में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोहतास समाहरणालय के 32 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जिसको लेकर समाहरणालय के 52 स्टाफ का टेस्ट हुआ था। वहीं जिले में पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहतास में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। राजधानी पटना में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना से सटे बिहटा में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से बिहटा के कई इलाकों को सील कर दिया गया है। पॉजिटिव पाए गए सभी लोग एक व्यापारी के दाह संस्कार में शामिल होने गए थे। ये बेटा में कुछ लोगों के पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी, फिर हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से बात करके टीम को मंगवाया। जांच टीम आई यहाँ पे और लोगों का टेस्ट किया गया। तो टेस्ट करने के दौरान 17 लोग पॉजिटिव आए उसमें, और वो लोग जिस एरिया में निवास करते हैं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाने का हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं, जो कि नोटिफाइड हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो कंटेनमेंट जोन का जो गाइडलाइन है, नियमावली है, उसका पालन करेंगे। स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया गया है और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी बताया गया है कि सैनिटाइज करें यहाँ पे नियमित रूप से, और जो उसका विधि व्यवस्था है उसका पालन करने के लिए मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स लगाए गए हैं। गया शहर में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण से शहरवासियों को बचाने को लेकर नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। इसे लेकर नगर निगम द्वारा सोमवार से नगर सरकार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम के मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर
मोहन श्रीवास्तव द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के कई वार्ड पार्षद भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि सोमवार 13 जुलाई से नगर निगम द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। प्रशासन सरकार भी चिंतित है, लेकिन माननीय पीएम महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी या डीएम साहब के बल पर हम लोग छोड़ दें कि गया जिला के 50 लाख लगभग आबादी का कल्याण हो जाए, कोरोना से निजात पाले, यह असंभव है। हम सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और इसकी जागरूकता के लिए गया नगर निगम द्वारा कल सोमवार 13 जुलाई से वार्ड 47, 48, 49 प्रारंभ किया जा रहा है। उसमें हम लोग सर्वप्रथम प्रत्येक घरों में अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए चार चार मास्क निगम के द्वारा दिए जा रहे हैं। उसके बाद एक एक साबुन भी दिया जा रहा है। यह जाहिर है कि उससे काम नहीं चलेगा, आगे दिन के लिए वहीं कैमूर में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। बता दें कि एक सुरक्षा कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मोहिनिया थाने को सील कर दिया गया है। बेवजह थाने में आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्री निशंक ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने नतीजों के लिए छात्रों और अभिभावकों और अध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और ये रिजल्ट आप cbseresult.nic.in पर चेक कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। तो आपको बता दें कि सीबीएसई ने 12th का रिजल्ट जारी कर दिया है और आप ये रिजल्ट cbseresult.nic.in पर देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने अपने राज्यों को बिहार के निजी अस्पतालों के संचालकों को दूसरे राज्यों की तरह सीट रिजर्व करने की अपील की है। कोरोना लगातार बिहार में बढ़ रहा है, सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारी के साथ उसको रोकने का, सहूलियत देने का हर संभव प्रयास कर रही है, मगर बावजूद भी जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र मुंबई में निजी हॉस्पिटलों में सरकार के अनुरोध पर 25-30% पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए वहाँ सीट आरक्षित कर दिया गया है, मैं चाहूँगा मानवता के आधार पर सभी निजी हॉस्पिटल के मालिकों से कि आप उसी तरह से कोरोना के लिए 30% रिजर्व पटना और बिहार में करें। गया जिले के सरघाटी विधानसभा के आमस प्रखंड के रेगनिया गांव में बीते दिन पूर्व मांझी परिवार के 9 सदस्य की बारात से लौटने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इन पीड़ित परिवारों से मिलने गया पहुंचे, उस परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने सबको 10,000 रुपए का आर्थिक मदद भी दिया। डबल इंजन की सरकार है, जिन्हें देश की 130 करोड़ जनता से कोई मतलब नहीं, दुनिया के दूसरे नंबर पर हम आ चुके हैं पॉजिटिव केसों में,
जांच की प्रक्रिया पूरी धीमी है। बिहार में दुनिया का सबसे कम जांच हुआ, मात्र 4 या 6 सेंटर हैं, आइसोलेशन वार्ड का सख्त अभाव है, वेंटिलेटर नहीं। बेगूसराय में जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का असर गंगा घाट और मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु सावन की सोमवारी के अवसर पर गंगा घाट पहुंचते थे और गंगा घाट से जल उठाकर विभिन्न शिव मंदिरों में जलार्पण करते थे, आज श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखी गई। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मंदिर प्रबंधक में भी तकरीबन हर जगह मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ श्रद्धालु गंगा घाट पहुंच रहे हैं और जल उठाकर मंदिर के पट के बाहर ही जल अर्पण कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधक के सदस्यों ने बताया कि आज इस कोरोना महामारी की वजह से सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करने का निर्देश दिया गया है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि एक दूसरे से दूरी बना कर रहें, यथासंभव घर पर ही पूजा अर्चना करें। हमारे देश पर एक कोरोना नाम के मायावरी बीमारी ग्रसित कर रहा है, बीमार से लोग मर रहे हैं। हमारे सरकार प्रतिबंध लगाए, एक दूसरे से दूरी रहें, किसी ऐसे फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ नहीं रहें। सिर्फ एक साथ नहीं रहने के कारण एक दूसरे से भाव एक सावन की दूसरी सोमवारी पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आज बोकारो के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। भगवान शिव को श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर मंगल कामना की। वैसे श्रद्धालु सोशल डिस्टेंस का भी बखूबी पालन करते नजर आए। भगवान शिव के जय घोष से शिवालय गुंजमान हो उठा। हालांकि कोरोना के मद्देनजर मंदिरों में भीड़ जमा नहीं होने दिया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़।